G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की जमकर तारीफ हुई है। पीएम मोदी की तारीफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने की है। G7 समिट में भारत की छाप हर जगह दिखने को मिल रही है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी नमस्ते के जरिए मेहमानों का स्वागत कर रही हैं, तो वहीं G7 शिखर सम्मेलन ने चीन की टेंशन 10 गुना बढ़ा दी है। G7 में भारत का गम, मोदी का ग्लोबल अंदाज। भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए सुपर पावर बेटा। G7 में टॉप पर पीएम मोदी का एजेंडा। बड़ा मंच, बड़े लीडर और बोल्ड फैसले। इटली के अपोलिया में सुप्रीम लीडर्स के बीच दिखी गर्मजोशी ने कई मुल्कों की टेंशन बढ़ा दी है। ये मेल मिलाप, सार्थक वार्तालाप बड़े मसलों को एक झटके में हल करने की गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि इटली के अपोलिया में G7 का स्टेज सजा है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां यहां जुटी हैं। वैश्विक मसलों के समाधान की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जिस एक हस्ती ने इस बार G7 की सारी सुर्खियां बटोरी हैं, वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का ऐसा जोरदार वेलकम इटली में हुआ है जिसकी हर जगह चर्चा है। G7 में मोदी की धूम मची है। पीएम मोदी से मेल मुलाकात के लिए शक्तिशाली देशों के सुप्रीम लीडर की बेताबी देखते ही बन रही है। मेजबान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने G7 में सबसे ज्यादा अहमियत पीएम मोदी को दी है। G7 जैसे बड़े मंच पर भारत का ऐसा दबदबा दे, कुछ देशों की बेचैनी भी बढ़ गई है। इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि G7 में जुटे लीडर निर्णायक फैसले ले सकते हैं। G7 में कौन कौन मौजूद है ये जानिए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 के आउटरीच सत्र में भाग लेने पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 समूह के सदस्य के तौर पर समिट में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल, कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी समूह के सदस्य देश के नेता के नाते शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इन ग्लोबल लीडर के साथ कई देशों के सुप्रीम लीडर को भी G7 समिट में निमंत्रण दिया गया है, क्योंकि इस बार G7 का एजेंडा व्यापक है। इटली में जुटी महाशक्तियों का उद्देश्य दुनिया में बढ़ती महंगाई और व्यापार से जुड़ी चिंताओं के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने के लिए आर्थिक नीतियों को कोऑर्डिनेट करना है। शिखर सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने की रणनीति भी बनाई जाएगी, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके। G7 में वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य आपातकाल के लिए सिस्टम को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा G7 में दुनिया भर में चल रहे सैन्य संघर्ष पर चर्चा होनी है, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध पर G7 समूह के देशों का पूरा फोकस है। G7 समिट में शामिल हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शिखर सम्मेलन से बड़ी आस है, क्योंकि अपोलिया में G7 के स्टेज पर यूक्रेन के हालात पर एक पूरे सत्र का आयोजन किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को गले लगाकर दोस्ती का इजहार किया है। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया में पोस्ट कर रूस यूक्रेन युद्ध को शांति से हल करने का रास्ता भी सुझाया है। G7 में एशिया महाद्वीप से सिर्फ भारत को निमंत्रण दिया गया है, जबकि दूसरे सर्वोच्च नेताओं में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोआन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेबोन, कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो और ट्यूनिशियाई राष्ट्रपति कैस सईद भी G7 में आमंत्रित हैं। अपोलिया में हो रहे G7 सम्मेलन में अफ्रीकी महाद्वीप के विकास पर भी चर्चा हो रही है, मगर भारत को G7 में सबसे ज्यादा तवज्जो मिल रही है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने G7 में ग्लोबल लीडर का वेलकम जिस अंदाज में किया, उससे भारत का मान बढ़ा है। मेलोनी ने एक नहीं, दो नेताओं का स्वागत नमस्ते के जरिए किया, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। G7 में नमस्ते डिप्लोमेसी का डंका बजने की वजह पीएम मोदी माने जा रहे हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं, लेकिन एशिया महाद्वीप में सिर्फ पीएम मोदी को समिट में निमंत्रण देकर बुलाया गया है। विश्व बिरादरी में इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं।
क्योंकि इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत की छाप हर जगह दिखाई दे रही है। इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों की कुछ मजबूरियां भी हैं। भारत की अर्थव्यवस्था G7 के 3 सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यही नहीं, भारत की आर्थिक वृद्धि पश्चिमी देशों से अलग है। जहां अधिकतर देशों में विकास की संभावनाएं स्थिर हैं, वहीं भारत में ये संभावनाएं काफी ज्यादा है। भारत में 68% आबादी कामकाजी है और 65% आबादी 35 साल से कम की है। भारत में युवा, स्किल और सेमी स्किल्ड लोगों की अच्छी तादाद है। भारत दुनिया के लिए प्रमुख आर्थिक इंजन बन चुका है। भारत को साथ रहे G7 के सभी देशों को कई और समीकरण भी साधने हैं। अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिनमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ करीबी बढ़ाने की बात है। पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यानी यूरोप के G7 देशों ने अपनी अपनी इंडो पैसिफिक रणनीतियां तैयार की हैं। इटली ने भी हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साथ जुड़ने की इच्छा जताई है। भारत से रिश्ते प्रगाढ़ बनाना वक्त की जरूरत है, क्योंकि चीन जैसे चालबाज देश की गार्ड किसी भी यूरोपीय देश में नहीं है। अमेरिका भी चीन से अकेले आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ने लगा है। विस्तारवादी चीन को काबू करने का दम सिर्फ भारत रखता है। ये बात G7 के सभी सदस्य देश अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन को कभी भी इस गुट का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। चीन की इकोनॉमी को भी G7 समूह एडवांस नहीं मानता है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।